आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कोविड-19 जो कि चीन के वुहान से शुरू हुई, इस बीमारी को पूरी दुनिया के महामारी बनने में चीन का कितना योगदान है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर गुप्ता, आपका अपने YouTube चैनल धांसू फंडा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चीन के वुहान से शुरू हुई कोविड-19 डिजीज जो कि चीन में अब लगभग काबू में आ चुकी है, पिछले 24 घंटों में इस बीमारी के कोई भी नए मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन इटली और ईरान में यह बीमारी रौद्र रूप दिखा रही है। दोनों देशों ने शुरुआत में इस बीमारी को बहुत हल्के में लिया। इटली में चीन के काफी पर्यटक आते हैं। इस देश को शुरू में ही चीन के लोगों की वीजा पर पाबंदी लगाकर इस बीमारी को फैलाव को रोकना चाहिए था, लेकिन मालदार चीनियों की विदेशी मुद्रा के लालच में इटली ने कार्रवाई करने में काफी देर कर दी। आज दिनांक 21 मार्च तक इटली में लगभग 4000 मौतें हो चुकी हैं। ईरान ने भी परले दर्जे की लापरवाही दिखाई, लेकिन यहाँ की कहानी बिल्कुल ही दूसरी है। सत्ता के दो ध्रुव, धार्मिक नेता खामेनेई और राष्ट्रपति रूहानी के बीच के हुए सत्ता के संघर्ष ने ईरान के हालात को बेकाबू कर दिया। धार्मिक नेता खामेनेई के अंदर में आने वाले रिवोल्यूशनरी गार्ड और सेना ने राष्ट्रपति रूहानी के आदेशों की अवहेलना की, जिस कारण इस बीमारी पर काबू पाने में काफी देर हो गई। ईरान से पूरी तरह खबर बाहर नहीं आ रही है, लेकिन अपुष्ट खबरों के अनुसार ईरान में लगभग 2000 मौत हो चुकी है। इधर चीन में हालात काबू होने के बाद वहां की सरकार के एक प्रोपेगेंडा वीडियो में स्वास्थ्य कर्मियों को घर जाते हुए खुशियां मनाते हुए और विक्ट्री साइन बनाकर गीत गाते हुए देखा जा सकता है। इस बेशरम देश को यह तनिक भी सुध नहीं आई कि यह बीमारी चीन द्वारा ही फैलाई गई है। पूरी दुनिया अभी इससे पस्त है, अभी भी रोजाना सैकड़ों मौतें हो रही हैं। चीन ने अभी तक पूरी दुनिया को वायरस फैलने की कोई ठोस वजह नहीं बताई है, पर यह रिकॉर्ड पर है कि इस तरह के वायरस 2016 में चीन के शोधकर्ताओं द्वारा कनाडा के NML लैब से चीन के वुहान सेंट्रल लेबोरेटरी में चोरी से भेजते हुए पकड़ा गया था। दुनिया को थोड़ा स्थिर होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चीन की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होने के कारण उसकी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी बनती है। चूंकि चीन के पास इस बीमारी से लड़ने के लिए अनुभवी स्वास्थ्य कर्मियों की काफी बड़ी संख्या थी, उसे इसकी सेवाओं की पेशकश पूरी दुनिया को करनी चाहिए थी, लेकिन चीन ऐसा न करके काफी कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पूरी दुनिया के मीडिया ने अपने रिसर्च में यह साबित कर दिया है कि चीन को इस बीमारी की भयावहता की जानकारी दिसंबर 2019 के अंतिम सप्ताह में हो गई थी, जब न्यूमोनिया जैसे लक्षण रखने वाले कुछ मरीज वुहान के सेंट्रल हॉस्पिटल में पहुंचे। डॉक्टरों ने जब मरीजों के फेफड़ों की जांच की तो इसमें पाए जाने वाले वायरस की पहचान नहीं हो पाई। इस वायरस पर कोई दवा काम भी नहीं कर रही थी। वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर एफएन ने वायरस के नमूनों को जांच के लिए वुहान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा। दूसरे अस्पतालों से भी इसी तरह की बीमारी की खबरें आने लगी। सभी जगह से सैंपल जांच के लिए पहुंचने लगे। दिसंबर 2019 के आखिरी सप्ताह में लैब की रिपोर्ट आ गई। सार्स की तरह लक्षण वाली यह कोरोना वायरस निकली, जो कि आमतौर पर जानवरों में पाई जाती थी। इस वायरस का तत्काल कोई इलाज या प्रोटोकॉल नहीं था। इसी बीच मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। स्थिति की भयावहता को देखते हुए अस्पताल के ही डॉक्टर ली वेंग ने सोशल मीडिया माध्यम वी चैट के माध्यम से पूरी दुनिया को इस बीमारी की जानकारी दी, तो पहली बार पूरी दुनिया को इस बीमारी के स्केल का पता चला। चीन की इंटरनेट पुलिस तुरंत हरकत में आई, उसने डॉक्टर ली वेंग को तुरंत हिरासत में ले लिया। चीन की सरकार इस बीमारी को खतरनाक बीमारी या महामारी घोषित करने के बजाय बीमारी को दबाने में लग गई। 1 जनवरी 2020 को हुई प्रांत के स्टेट स्वास्थ्य सचिव ने सैंपल्स की जांच करने वाली प्रमुख कंपनी जीनोमिक्स के ऑफिस में फोन कर वायरस के सारे सैंपल और टेस्ट के रिपोर्ट को नष्ट करने को कहा। सरकार सारे सरकारी अस्पतालों और सरकारी लैब से जांच रिपोर्ट और वायरस के नमूनों को नष्ट करने में पुरजोर कोशिश करने में लग गई। महामारी फैलने का अंदेशा होने पर जब दूसरे देशों ने अपने नागरिकों को निकालने की कार्रवाई शुरू की तो चीन ने इसे पैनिक बढ़ाने वाली कार्यवाही कहा। चीनी नागरिकों को जब वीजा देने से रोका जाने लगा और हवाई अड्डों पर गहन स्कैनिंग और जांच होने लगी तो चीन ने इसे नस्ली भेदभाव कहकर परिभाषित किया। इसी बीच विसल ब्लोअर डॉक्टर ली वेंग की कोरोना की वजह से मौत हो गई। 7 जनवरी 2020 को चीन ने यह मान लिया कि सार्स की तरह के लक्षणों वाली कोरोना वायरस जनित यह बीमारी पूरे हुई प्रांत में फैल गई है, लेकिन चीन ने अभी तक पूरे हुई प्रांत में लोगों के मूवमेंट को बंद नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया पर चीन को बदनाम करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। आखिरकार 22 जनवरी 2020 को जब इस बीमारी की भयावहता हद से ज्यादा बढ़ गई तो चीन ने हुबेई प्रांत में लोगों के मूवमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी बीच चीन में वहां की सबसे बड़ी छुट्टियां शुरू हो गई थी, जिसे चीनी लूनर मंथ कहते हैं। इसमें लगभग 1 महीने छुट्टी रहती है। इन छुट्टियों में काफी मात्रा में चीनी लोग हुबेई प्रांत से विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए निकले,
इनमें से काफी लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे, जिनमें से ज्यादातर लोगों ने थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इटली, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के लिए यात्राएं की थी। मालदार चीनियों के विदेशी मुद्रा के लालच में और चीनी धौंस के आगे इन देशों ने दिल खोलकर वीजा दिए। इन देशों को इस बीमारी की भयावहता का जरा भी अंदाजा नहीं था। अब हालात देखिए, चीन में शांत हो चुकी बीमारी इन देशों में तांडव मचा रही है। पूरी कहानी का लबोलुभाव यह है कि चीन में कोविड-19 के फैलने के बाद बजाय चीन की सरकार को इसके प्रभावी तरीके से रोकने के, इस बीमारी के खबरों को दबाने तथा इसके सबूतों को नष्ट करने की पुरजोर कोशिश की। बीमारी के खतरनाक स्केल को जानते हुए भी चीन ने अपने नागरिकों को विदेश यात्रा से प्रतिबंधित न कर वायरस को पूरी दुनिया में जानबूझकर फैलने दिया। इससे इस देश की सरकार की आपराधिक मनोवृत्ति का पता चलता है। इससे पहले भी 2003 में सार्स नामक बीमारी चीन से ही फैली थी और चीन की सरकार पर कुछ समय भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगे थे, लेकिन चीन की इकोनॉमिक घुड़दौड़ की आंधी में चीजें नजरअंदाज हो गई। पूरी दुनिया में वायरस फैलाने के बाद जश्न मनाते हुए चीन ने अपने देश में विदेशी नागरिकों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस चांडाल देश की बेशर्मी की पराकाष्ठा है। बजाय इसके कि यह पश्चाताप की आग में जलते हुए पूरी दुनिया के साथ सहानुभूतिपूर्वक पेश आता, इसने पूरी दुनिया को मुंह चिढ़ाना शुरू कर दिया। चीन को अपनी हृदयहीनता की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस देश की पीठ में खंजर उतार देने वाली प्रवृत्ति के शिकार देशों को साथ सर जोड़कर इसके चंद बिलियन डॉलर के लोभ से बचकर इसकी करनी पर दंड देने का निर्णय लेना होगा। साथ ही WHO से इस पूरी घटना की जांच कराकर, क्योंकि चीनी सरकार ने इस बीमारी के फैलाव के लिए अमेरिकी सेना और अमेरिकी सामानों को जिम्मेदार ठहराने का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। जांच के नतीजे में अगर इस घमंडी देश की संलिप्तता कंफर्म हो जाए तो सीधा प्रहार इसके आर्थिक नब्ज पर करना होगा, जिसकी बदौलत ये पूरी दुनिया में मनमानी करता फिर रहा है। पूरी दुनिया को इसका आर्थिक बहिष्कार कर इसके दमनात्मक शासन का अंत करना होगा। अगर ऐसा ना किया गया तो बर्ड फ्लू, सार्स और कोरोना वायरस के तांडव के बाद अगला वायरस पूरी दुनिया को प्रतिबंध लगाने का मौका भी नहीं देगा, क्योंकि पूरी दुनिया तो खत्म हो चुकी होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।